हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे आरटीएल और डीटीएल की न्यूमेरिकल्स की। इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से आरटीएल डीटीएल के, और हम लोग मॉसफेट मतलब और जेफेट का भी जो न्यूमेरिकल्स होगा उसको आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम लोग आरटीएल डीटीएल टीटीएल जो भी है इसके फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। फॉर्मूले का अगर हो सकेगा तो मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ रख दिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन लेके। सबसे पहले एक आरटीएल का क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक आरटीएल का क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हम लोगों को क्या कह रहा है, आरबी दिया हुआ है, आरसी दिया हुआ है। मैं लिख लेता हूँ, पहले हम लोगों को गिवन लिख लेना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले आप आरबी लिख लीजिए। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को गिवन है। अगर आप लोगों को कभी भी वीसीसी ना दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो आप उसको 5 वोल्टेज हमेशा लेके चलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें दी हुई है और वी इनपुट पूछा है हम लोगों से, और यहाँ पर एक चीज़ को क्वेश्चन में छुपा लिया है। यहाँ पर जब बोला है कि जस्ट सैचुरेट, जो जस्ट सैचुरेट क्वेश्चन में बोल रहा है उसके लिए आप लोगों का जो सिग्मा है वो हो जाएगा 0.9, ठीक है। सिग्मा क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब क्या चीज़ें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सिग्मा हम लोगों का होता है सैचुरेशन पैरामीटर। तो अब हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है कि आई सी इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वी सी सी माइनस वी सी ई कॉमन एमिटर वोल्टेज अपॉन क्या होता है, अपॉन में आर सी होता है कलेक्टर रेजिस्टेंस। तो हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे, 5 है माइनस 0.2 अपॉन आरसी की वैल्यू क्या दी हुई है 1000। इसके हम लोगों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.8 आएगा और ये इसमें आएगा, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि वी सी 0.2 कैसे आया, तो ये जान लीजिए कि जब जस्ट सैचुरेट या फिर हम लोगों का कॉमन एमिटर वोल्टेज होता है स्टार्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो यही हम लोगों का है 0.2, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया है। खैर जीरो हम लोगों को लेना चाहिए लेकिन यहाँ पे हम लोग जीरो हम कभी नहीं लेते हैं, तो 0.2 हम लोगों ने लिया है। आगे हम लोगों को आता है, अब हम लोग इससे क्या क्वेश्चन से आई बी निकाल सकते हैं। आई बी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो आरटीएल के लिए क्या होता था, आई सी अपॉन होता था सिग्मा इंटू एच एफ ई, ठीक है, विच इज इक्वल टू। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला तो एच एफ ई का होता है लेकिन हम लोगों ने उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है अपने हिसाब से। तो आई सी की वैल्यू 4.8 ऊपर से आ गई है, सिग्मा की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट सैचुरेट यानी 0.9 इंटू एच एफ ई हम लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है। सॉरी मैं यहाँ पे एच एफ ई लिखना भूल गया था, यहाँ पे आप लोग एच एफ ई लिख लीजिएगा कि 50 गिवन था क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 0.106 इंटू 10^-3, ठीक है। हम लोगों का हो गया आई सी, हो गया ये आई बी हो गया। अब हम लोगों को निकालना क्या था, जो हम लोगों को निकालना था वो था वी इन या फिर इनपुट वोल्टेज, जो कि होता है आई बी आर बी प्लस वी बी ई, ठीक है। इसके हम लोग वैल्यू रख देंगे तो ये आया था 0.106 इंटू 10^ इंटू सॉरी आई बी और आर बी की वैल्यू क्या थी हम लोगों को, आर बी यहाँ से देखिए 800 दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू 800 हो जाएगा और प्लस बचेगा 0.75। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.83 आएगी, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन था आरटीएल का। अब हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो जब हम लोग ये अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसमें कुछ आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन हर साल के अंतराल पर मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, जो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। पहले तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 5 दे रखा हुआ है। अब हम लोगों को आर बी दे रखा हुआ है, एक सेकेंड, आर बी दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है 500 ओम दी हुई है। यहाँ पे आर सी हम लोगों को दिया हुआ है 650 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों के लिए एच एफ ई भी दिया हुआ है 50 दिया हुआ है और वी बी ई दिया हुआ है, वी बी ई 0.75। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ तो आप वी बी ई इज इक्वल टू 0.75 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब निकालेंगे आई बी, ठीक है। आई बी कह सकते हैं या फिर बेस करंट, इसकी वैल्यू होती है n इंटू क्या होता है वी ओ माइनस वी बी ई अपॉन हम लोगों का जो होता है आर बी होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों को n जो भी दे रखा है उसको 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वी ओ ओ को वैसे ही रहने देंगे और वी बी ई की वैल्यू रख देंगे, वी बी ई की वैल्यू 0.75 है अपॉन 500। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। हम लोग आई सी जिसे हम लोग आई ओ कहेंगे, सप्लाई करंट, ये हम लोग क्या ले लेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी वी सी सी माइनस वी ओ अपॉन आर सी, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी दिस, नाउ वी सी सी हम लोगों को 3.6 दे रखा हुआ है क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो, माइनस वी ओ अभी हम लोगों को नहीं निकालना है और 650 आर सी दिया हुआ है दोनों। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको कुछ नहीं करना है, बस सामने से इक्वेट कर देना है। तो हम लोगों की क्या आ जाएगी, वी ओ की वैल्यू, एज आप लोग इसको इक्वेट करके देखेंगे, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को जो वी ओ आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.13 आएगा, ठीक है। हम लोगों का वी ओ आ गया, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आई बी निकालने जा रहे हैं,
ये जो आई बी है यहाँ पे ये आई ओ है क्योंकि ये एन से मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे हम लोग आई बी निकालने जा रहे हैं। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आई बी जो कि वैल्यू होती है, क्या होती है, वी ओ माइनस वी बी ई अपॉन आर बी। ठीक है, नाउ बस हम लोगों को सारी वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा आंसर 0.76 मिली एम्पीयर। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसमें आप लोगों को वीओ फाइंड करना है। और अगर क्वेश्चन में आगे अगर आप लोगों को आई बी पूछेगा तो आई बी निकालना है। वो क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, यहाँ पे नीचे आप लोगों को गिवन है, इसको आप लोगों का आंसर कमेंट में पिन करना है। तो ये आज का हम लोगों का सबसे आसान क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को दे रखा हुआ है सब चीज़ें, आर सी दिया हुआ है 500 ओम, वी सी सी दिया हुआ है 5 वोल्ट, और हम लोगों को क्या निकालना है, एच एफ ई निकालना है हम लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को सब चीज़ दिया रखा है, आई बी भी दिया हुआ है, वी सी ई भी दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल रहा है जस्ट सैचुरेट। जस्ट सैचुरेट यानी सिग्मा इज इक्वल टू हम लोगों का हो गया 0.9। बहुत आसान है क्वेश्चन हम लोगों को, लेकिन एच एफ ई का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, एच एफ ई इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला था तो ये होता है आई सी अपॉन सिग्मा इंटू आई बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को तो आई बी दिया हुआ है 80, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को आई सी नहीं दिया हुआ है। यहाँ अगर आप लोगों को ये पता चल जाए आई सी तो आप लोगों का एच एफ ई निकल जाएगा। तो आई सी जो होता है ये होता है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये होगा वी ओ, वी ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो वी आउटपुट जो होता है हम लोगों का होता है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। तो इससे हम लोग आई सी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, अभी हम लोग पीछे देख के भी आए हैं फार्मूला, वी ओ माइनस सॉरी वी सी सी माइनस वी ओ अपॉन आर सी। यहाँ पे आप लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 0.1, यहाँ पे 0.2 भी ले सकते हैं। तो हम लोगों का क्या आया था आखिरी में, आप लोगों को याद है, यहाँ पे हम लोगों ने आर सी की वैल्यू 500 दी हुई है, तो हम लोगों का जो आई सी आ चुका है ये आ चुका है 9.8 ये। ठीक, हम लोग एच एफ ई हम लोगों को सब निकालना है, तो इसमें आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 9.8 रखना है, सिग्मा 0.9, और 80 रखेंगे तो हम लोगों का सिग्मा जो आएगा वो आ जाएगा 0.136। आप सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोगों का आंसर है। ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हम लोगों का अच्छा सवाल और लास्ट नहीं होगा क्योंकि आरटीएल का लास्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें दिया हुआ है हम लोगों को 500 ओम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों का। ये हम लोगों का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम लोगों को वी इन आई पूछा हुआ है। ठीक है, वी इन जिसे कहते हैं आप लोग, वी सी ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.2 वोल्ट, यानी ये इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये दिया हुआ है 0.2। हम लोगों को दिया हुआ है सिग्मा जिसकी वैल्यू है 0.8। हम लोग वी बी ई दिया हुआ है, वी बी ई दिया है 0.75, यानी हम लोगों को इस एरिया का दिया हुआ है वोल्टेज 0.75। और एच एफ ई दिया हुआ है, एच एफ ई दिया हुआ है 50। हम लोगों को वी इन निकालना है, तो हम लोग वी इन निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला मैंने अभी पीछे लिखवाया था। वी इन जो होता है वो होता है आई बी आर बी प्लस वी बी ई। ठीक है, हम लोगों को क्या क्या निकालना है, आई बी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, आर बी दिया हुआ है, आर बी हाँ दिया हुआ है, वी बी ई निकालना है, दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है। तो इससे हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहले आई बी, आई बी का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, आई बी इज इक्वल टू होता है आई सी अपॉन सिग्मा इंटू एच एफ ई। हाँ, सिग्मा दिया हुआ है, एच एफ ई दिया हुआ है, आई सी आप लोगों को लेकिन उससे पहले निकालना पड़ेगा। तो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग पीछे फिर से फॉर्मूला देख के आए, जो होता है वी सी सी माइनस वी सी ई अपॉन आर सी। सारी वैल्यू आप लोगों को बस पुट करते जाना है, वी सी सी की वैल्यू 3 दिया हुआ है यहाँ पे सप्लाई, ठीक है 3 रख लीजिए, माइनस वी सी ई, वी सी ई कितना दिया हुआ है आप लोग 0.2 रख सकते हैं, अपॉन आर सी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, आर सी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे 700 दिया हुआ है, ये वाला आर सी जो हम लोगों का ये है, ये 700 ओम दे के रखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा आप लोगों का 4, ठीक है आप लोगों का 4 आएगा। इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे आई बी में रखेंगे तो आई बी आप लोगों का आ जाएगा कितना, अभी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का सारी वैल्यू रखने के बाद 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। उसके बाद हम लोगों को बस इसमें सारी वैल्यू रखनी है, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है वी इन में। आई बी हम लोग निकाल चुके हैं 1, आर बी दिया हुआ है 500, वी बी ई हम लोगों को 0.75 दिया हुआ है। जब आप लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो वी इन हम लोगों का आएगा लगभग 0.8 वोल्ट के अप्रॉक्स। ये हम लोगों का आरटीएल का आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग डीटीएल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों का डीटीएल लैंड गेट दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है वी बी ई 0.8 वोल्ट है, वी सी ई इज इक्वल टू 0.2 है। हम लोगों को एच एफ सी कैलकुलेट करना है और वी सी सी हम लोगों को 5 वोल्ट दिया हुआ है, आर सी दिया हुआ है। और तो इसमें भी आप देख सकते हैं गिवन वही चीज़ें रहेंगी जो आरटीएल में, और फार्मूले भी लगभग उसी तरीके से लगेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, आईसी निकालना पड़ेगा। आईसी की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो हम लोग देख चुके हैं वी सी सी माइनस वी सी आप लोग अप्रो हो चुके हैं अपॉन आर सी, जैसे ही वैल्यू आप पुट करते जाएंगे 5 माइनस 0.2 अपॉन आर सी की वैल्यू क्या दी हुई है 2.2, ठीक है तो हम लोग आ जाएगा 2.18।
ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, आई वी निकालना है। आई वी लेकिन इस बार कुछ फॉर्मूले से ना निकाल के हम लोग दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि होता है आई आर माइनस आई आर बी, ठीक है। तो हम लोग आई आर की वैल्यू होती है जो होती है वो होती है वी सी सी माइनस वी पिंच वोल्टेज अपॉन यहाँ पे आर होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है वी 2.2 अपॉन हम लोगों को 5 दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद 0.56 हम लोगों का आएगा आई आर। आई आर आ गया तो हम लोगों को आई आर बी निकल जाएगा हम लोगों का। तो आई आर बी क्या होता है, आई आर बी की फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी बी ई, वी बी ई माइनस वी बी बी अपॉन आर बी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करेंगे आप लोग 0.2 प्लस 2 अपॉन आर बी दिया हुआ है 20, जिसकी वैल्यू आएगी 0.14। यहाँ से हम लोगों का अब आ जाएगा आई बी आ जाएगा हम लोगों का, आई बी की वैल्यू आ जाएगी, आई बी की वैल्यू सारी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी 0.45 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आई बी आ गया अब हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को एच एफ सी निकालना है। एच एफ सी जो होता है, एच एफ सी जो होता है वो होता है आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी हम लोगों का 2.18 है, आई बी हम लोगों का 0.45 है, वैल्यू पुट करने पे आपका आएगा 5.06। और हम लोगों से कुछ और भी पूछ रखा है क्या, नहीं बस इतना ही था क्वेश्चन में। तो डी टी एल में मेरे पास एक ही सवाल था, मैंने सॉल्व करवा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।